ये वीडियो सचमुच आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत रैशेस और पिंपल्स हो गए थे। सच में उनकी स्किन देखेंगे तो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल स्किन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आप लोग के सामने हूँ एक बहुत बेहतरीन वीडियो को लेके। ये वीडियो सचमुच आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम लड़कियों को थोड़ा सा भी टैन हो जाए या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, तो कुछ ऐसी स्किन प्रॉब्लम हो तो हमें अच्छा नहीं लगता और हम फटाफट कुछ कॉस्मेटिक्स या ऐसी चीज़ें खोजने लग जाते हैं जिससे हमको फेयरनेस हो या जो स्पॉट हो गई है उसकी ट्रीटमेंट्स हम कर सकें। कॉस्मेटिक्स में भी बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सूट करे। कई बार जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं बहुत ज़्यादा ही सोचती हूँ। रिसेंटली मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया था जिसके कारण मेरी स्किन में बहुत रैश पिंपल्स हो गए थे, तो फिर मैंने उसको तुरंत ध्यान दिया कि किस कारण से मुझे ऐसा हो रहा है और मैंने इमिडिएटली उसे यूज़ करना बंद कर दिया। लेकिन इमिडिएटली यूज़ करने बंद करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो नुकसान जो आपकी स्किन में होगी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि आप कॉस्मेटिक्स या फिर केमिकल प्रोडक्ट से अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो मैं कुछ होम रेमेडीज आपके लिए लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही कारीगर है हमारी स्किन के लिए। बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मैंने देखा है, क्योंकि वो एशियन ज़माने से वो चला है, कॉस्मेटिक्स मिलता था। मोस्टली जो वुमेन्स थी वो होम रेमेडीज़ या होममेड ऐसी चीज़ों को यूज़ करती थी जिनसे उनको सच में उनकी स्किन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल स्किन, जैसे कि आप कई पिक्चर्स में भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी स्किन उनकी अच्छी, इतनी सॉफ्ट सेटल, एकदम बहुत बहुत ही बेहतरीन स्किन। मैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज लेके आई हूँ जिससे आपकी फेयरनेस तो पक्का होने वाली है। मैं किसी फेयरनेस को प्रमोट नहीं कर रही, स्किन बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। बस इस वीडियो का मकसद ये है कि यदि आप थोड़ी सी फेयरनेस चाहते हैं और आप कुछ ऐसा यूज़ करना चाहते हैं कि जिससे आपको फेयरनेस मिले, तो उसके लिए मैं कुछ होम रेमेडीज लेके आई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और खूब सारा प्यार देते रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फेस पैक है वो है ब्राइटन स्किन ओवरनाइट। अब ओवरनाइट तो एकदम इमिडिएटली ठीक नहीं होगा, लेकिन आप इसको लगाते रहेंगे, आप इसको कंटिन्यू लगाते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो फेस पैक बनाने के लिए आपको 2 टेबल स्पून मिल्क लेना है, रॉ मिल्क लेना है, और आपको मटर टोमेटो लेना, जो कि अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो सिर्फ 1 टेबल स्पून लीजिए और 2 टेबल स्पून रॉ मिल्क लीजिए, और दोनों को मिक्स करके आप अपने पूरे फेस में लगा सकते हैं। और देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्सनली भी मैं इस चीज़ को यूज़ करती हूँ तो मैं इसलिए इसको दावे से बोल रही हूँ कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत अच्छी रिजल्ट इसमें हमको मिलती है। डिपेंड्स ऑन यू कि यदि आप बहुत ज़्यादा लगाना चाहते हैं क्वांटिटी में, नेक में, बैक में, या फिर हाथों में लगाना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जो टमाटो प्यूरी है उसका पोर्शन कम रखिएगा और मिल्क का पोर्शन ज़्यादा रखिएगा। बहुत ज़्यादा लिक्विडी रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, इवनली ब्लेंड हो जाए ऐसा आप उसको लगाइएगा। तो इसको बिल्कुल ट्राई करके देखिए और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट फेस पैक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट फेस पैक है वो क्लियर स्किन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये स्पॉट आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे को स्किन एलर्जी हो गई थी और एक ऐसा प्रोडक्ट मैंने यूज़ कर लिया था जिसके कारण से मुझे इन्फेक्शन हो गया था और यहाँ यहाँ नीचे नीचे में जॉ लाइन में बहुत सारे एक्नेस हो गए थे, और एक्ने ही नहीं वो अजीब टाइप से कुछ हो गया था, तो इसलिए उस पर्पज से मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो आपको क्या लेना है, कुछ चंद इंग्रेडिएंट लेना है। 2 टेबल स्पून हनी लीजिए और 1 टेबल स्पून आप नींबू का रस ले लीजिए। नींबू का रस से भी और जो स्पॉट्स है वो बहुत जल्दी ही हील हो जाते हैं, क्योंकि लेमन जूस में विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड है, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए, और जो एक्ने स्पॉट्स हैं उसको भी बहुत जल्दी ये हील करता है, बहुत जल्दी ये ट्रीट कर। क्या करना है, आप 2 टेबल स्पून हनी लेना है, 1 टेबल स्पून क्या लेना है आपको, लेमन जूस लेना है, और स्किन में लगा लीजिए और उसको 15 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं रखिएगा, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है,
तो इसके लिए आप सिर्फ 15 मिनट्स तक ही अपने स्किन में लगाइए, उसके बाद आप इसको रिंस ऑफ करिए और देखिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। थर्ड जो है वो है गेट रिड ऑफ ऑयली स्किन। जी हाँ, ऑयली स्किन वालों के लिए है कि आप बहुत, यदि ऑयल सिक्रेट हो रहा है आपकी स्किन से और आप अपने स्किन के जो ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे परेशान है, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि है 2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, जो कि आपके घर में प्लांट होगा तो आप उस प्लांट से निकाल लीजिए उसका जेल को निकाल के 2 टेबल स्पून, और उसमें आप 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं टीस्पून लेना है टर्मरिक हल्दी। तो हल्दी भी बहुत अच्छा है, स्किन एंटीबायोटिक है, और जो है एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए, स्किन को प्लम्प करती है और उसमें बहुत सारे गुडनेस है। कई लोग एलोवेरा जेल को डेली बेसिस में भी लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी बालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो एलोवेरा का प्लांट तो आप अपने घर में बिल्कुल से लगाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका रिजल्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये भी ट्राई करके देखिए और प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है जो हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, बहुत लूज हो जाती है, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन फेस पैक लेके आई हूँ जो स्किन को टाइटन करेगी, टाइट करेगी और स्किन को बहुत अच्छे से, जैसे कई बार होता है हमारे ओपन पोर्स भी बहुत दिखने लगते हैं, तो ओपन पोर्स को भी श्रिंक करेगी, श्रिंक करने के साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइटन करेगी, टाइट करेगी और यूथफुल स्किन आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बताती हूँ। तो हमको 2 टेबल स्पून कॉफ़ी लेना, कॉफ़ी पाउडर लेना है, एक कटोरी में ले लीजिए 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर, और उसमें आप डालिए 1 टेबल स्पून हनी। हनी के भी बहुत सारे गुडनेस हैं, बहुत बेहतरीन है स्किन के लिए और वो साथ ही साथ खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, उसको आप इनटेक करिए। वेट लूज करने में भी बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते हैं। 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर लेना है एंड 1 टेबल स्पून हमको नहीं लेना, दोनों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से और उसको भी लगा के 25 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद देखिएगा कि इंस्टेंटली ब्राइट तो होगी ही, स्किन साथ ही साथ टाइटन भी होगी। सो गाइस, मैं सेकेंड पार्ट भी लेके आने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बहुत सारे कंटेंट इस चैनल में आपको इसी प्रकार के मिलते रहेंगे। तो वेट करिए सेकेंड पार्ट के लिए, और फर्स्ट पार्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा, और सारे फेस पैक जो मैंने बताए हैं किसी को आप ट्राई करके देखिए, और रिजल्ट मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो टेक केयर, बाय, और अपनी स्किन से प्यार करते रहिए। बाय।